नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां नोएडा अथॉरिटी से ट्रांसफर होकर आईएसएस रीतु माहेश्वरी ने आगरा मंडल कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया है। कुछ दिन पहले उनका आगरा में ट्रांसफर हुआ था। आगरा आने पर उनको सलामी दी गई। वही जिलाधिकारी से उन्होंने मंडल कमिश्नर का चार्ज लिया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आगरा मंडल के चारों जिला आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन आगरा और मथुरा दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखते हैं, लिहाजा उनका उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। आगरा में ताजमहल है, जहां पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इसके अलावा मथुरा में बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। आगरा और मथुरा दोनों जिलों में कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल सके और विकास को तेजी से बढ़ाया जा सके। देखिए, आज यहाँ मैंने पदभार ग्रहण किया है और अभी वृंदावन भी दर्शन भी किया था और वहाँ भी एक प्रिलिमिनरी रिव्यू किया है। मुख्यतः प्राथमिकता यही रहेगी कि जो शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उसके अनुकरण में चारों जनपद जो इस मंडल के हैं उसमें अच्छा काम हो, बेहतर कानून व्यवस्था, पारदर्शिता से जन सुनवाई हो, लोगों की ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल हो और जो आम जन तक जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो भारत सरकार की स्कीम्स हैं या राज्य सरकार की स्कीम्स हैं। वही अगली खबर बलरामपुर से है, जहां जिले में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने बड़ा बयान दिया है। बृजलाल खाबरी ने कहा कि हम 26 दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे, वही चुनाव के बाद तय होगा कि नेता कौन होगा। बृजलाल खाबरी आगे बोले कि भाजपा अब सरकारी उपक्रम बेच रही है, साथ ही कांग्रेस ने जो बनाया है उसे भाजपा नाश कर रही है। जी हाँ, बृजलाल खाबरी ने इतने पे ही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि मणिपुर में हुई घटना पर पीएम का बयान काफी शर्मनाक था, वही अपनी नाकामी का ठेकरा फोड़ रहे हैं दूसरों के सर पर, ऐसा कहना है बृजलाल खाबरी का। 70 साल में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का समय जोड़ लिया क्या? मतलब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, वो भी जोड़ लिया, मोरारजी जी रहे वो भी जोड़ लिया, 70 साल तो अभी इन सबको जोड़ करके होता है। चलिए, खैर वो कहा यही जाता है, लेकिन जिन 70 सालों में या 60 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने इस देश को यहाँ तक लाके खड़ा किया है जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार टुकड़े टुकड़े करके बेच रही है। भाई अगली खबर पीलीभीत से है, जहां यूपी के पीलीभीत जनपद में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत परिवहन विभाग ने आज परिवर्तन अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट लगाए विपरीत दिशा में चल रहे और मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने के मामले में 39 वाहनों के चालान काटे गए हैं। वही एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान खास तौर पर तेज गति से चलने वाले वाहनों का चालान भी किया गया है। कई एक इको वाहन चालकों ने एआरटीओ चेकिंग करते देखे गए तो खतरनाक तरह से इको दौड़ा दिए गए। वही ऑटो के दल ने दौड़कर डेंजर ड्राइविंग में इको पर सीज कर कार्रवाई की है। सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रतिदिन जो है दो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, एक तो जागरूकता का कार्यक्रम, एक प्रवर्तन की कार्रवाई। तो आज के दिन काफी प्रवर्तन की कार्रवाई हुई है, जगह 44 चालान किए गए हैं, 92,000 का प्रश्न शुल्क उनसे वसूला गया है। मुख्यतः जो आज चालान किए गए हैं वो विदाउट हेलमेट, सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों के दो गुटों के बीच कहासुनी को लेकर मारपीट हो गई, जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लगभग एक दर्जन किसान आपस में मारपीट कर रहे हैं, जिसका वीडियो मौके पर मौजूद एक किसान द्वारा बनाया गया है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। किसानों के बीच हुई मारपीट का ये वीडियो जनपद मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, वही कार्रवाई की बात की जा रही है। वही अगली खबर संभल से है, जहां रोड सेफ्टी को लेकर एआरटीओ विभाग ने अभियान शुरू किया है, जहां स्कूल के बच्चों को बताए जा रहे हैं सड़क सुरक्षा के नियम। वही शिविर लगाकर वाहन चालकों का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। शिविर में 50 वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण भी कराया गया, वही 14 वाहन चालकों की आंखों में कमियां भी पाई गई। सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर विभाग काफी सतर्क हो चला है। वही एआरटीओ संभल डॉक्टर प्रवेश कुमार सरोज के नेतृत्व में यह अभियान को शुरू किया गया है। चेकिंग में प्रदूषण जांच केंद्र जो है उनकी चेकिंग की गई, मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर, प्रेशर हॉर्न,
ब्लैक फिल्म के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें प्रेशर हार्न के 4 चालान किए गए, मॉडिफाइड साइलेंसर के 2 और एयर पॉल्यूशन के 2 चालान किए गए। और परिवहन कार्यालय संभल में जो है स्कूली बस चालकों के चालक परिचालक जो हैं उनका एक स्वास्थ्य शिविर और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 50 लोगों द्वारा की जांच की गई और कुल 14 लोगों में कमियां पाई गई हैं, जिसमें दूर की नज़र 7 लोगों की खराब थी, पास की नज़र 4 और बीपी के 1 पेशेंट और शुगर के 2 पेशेंट पाए गए। इनको जरूरी जो है हिदायत दी गई है। वही अगली खबर बांदा से है, जहां बांदा में एक मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति में आंखों से आंसू बहने का मामला वायरल हो रहा है। वही बजरंग बली की प्रतिमा से आंसू बहने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और मंदिर में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वही राम नाम का जाप भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि बांदा के बेहद बीहड़ और दुर्गम क्षेत्र माने जाने वाले थाना फतेहगंज में बजरंग बली का एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें स्थापित प्रतिमा की आंखों से आंसू निकलने की खबर बताई जा रही है। वही स्थानीय लोगों की माने तो बजरंग बली की मूर्ति को किसी महिला के द्वारा छू लेने पर उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं या कोई बड़ी विपदा आने वाली है, ये लोगों का वहां के कहना है। मैं पुजारी की पूजा करने आया, अब पूजा करने के बाद आंसू बहने लगे तो उसने सब लोगों को बताया, अब बताने के बाद बहुत लोग आ गए, अब जब बहुत लोग आ गए तो आंसू निकल रहे थे और एक आंख से पहले आंसू निकलने का कारण क्या हो सकता है? बुजुर्ग और हमारे क्षेत्र के सयाने बता रहे हैं कि क्रोध की कोई गलती हो गई हो, किसी से कोई स्वावर्षू दक। वही अगली खबर झांसी से है, जहां उत्तर प्रदेश के आज पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन के नेतृत्व में झांसी के प्रमुख चौराहे लाइट पर कैंडल जलाकर मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है और जमकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वही पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री चारों तरफ घूम रहे हैं लेकिन मणिपुर की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। वही देश के बहन बेटियों को निवस्त्र कर घुमाया जा रहा है, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए हैं। इस मौके पर भारी संख्या में कांग्रेसी महिलाएं और पुरुष आदि उपस्थित रहे। हमारे देश के अंदर महिलाओं को हमेशा हमने देवी स्वरूपा माना है। हम अनादि काल में देखें, अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते थे तो उसके पहले माँ सीता का नाम लेते थे, अगर भगवान कृष्ण का नाम लेते थे तो माँ राधे का नाम उनके पहले जोड़ते थे। आज उस देश के अंदर प्रधानमंत्री की रीति नीति और उदासीनता के कारण मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ वो इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि उस पर प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे और जो उन्होंने बोला है वो भी महिलाओं के सम्मान में नहीं बोला। वही अगली खबर झांसी से है, जहां एसएसपी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम और अभियुक्तियों की गिरफ्तारी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान। उस क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार और उनकी गठित टीम के द्वारा गैंगस्टर में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश गोलू चौबे को मुखबिर की सूचना के आधार पर कचहरी चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। वही अभियुक्ति दिनांक 25 मई से थाना नवाबाद झांसी से फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। मेरा नाम मीना मसी है, जो कि मैं यहाँ से नगर अध्यक्ष हूँ और हम लोगों को आज ही हमारी संपत्ति पर दीदी से ऑर्डर मिला है कि हम लोग यहाँ पे कैंडल मार्च निकालें और धरना प्रदर्शन करें। अगर आपकी संपत्ति पाल जी आपको निर्देशित नहीं करेंगी तो महिलाओं के अत्याचार पे आप लोग कुछ नहीं हम लोग अपने आप भी करेंगे। हम लोगों ने उनको बोला है और हम लोग इसके लिए आगे से आगे मांग उठाएंगे। सरकार से यही मांग है हमारी कि महिलाओं के साथ, चाहे वो गुलाबी गैंग हो चाहे अन्य कोई भी वो हो, लेकिन हम सबको महिलाओं को मिलकर एकजुट होना है। वही अगली खबर झांसी से है, जहां 8 दिनों से गाँव में बिजली न आने से ग्रामीण खून के आंसू रो रहे हैं। गांव में लटके हैं 2 ट्रांसफार्मर, जहां 63 केवी के 2 ट्रांसफार्मर 8 दिन में जल पड़े हैं, जिसकी शिकायत विद्युत विभाग के आला अधिकारियों शासन प्रशासन को दी गई, लेकिन विद्युत विभाग की तानाशाही के चलते आज तक गांव के ट्रांसफार्मर बदले नहीं गए हैं। वही आज ग्राम सिजारी बुजुर्ग में आयोजित किसान पंचायत में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और सैकड़ों किसानों ने कहा कि विद्युत विभाग की घोर लापरवाही अब
अवैध कटौती की हम निंदा करते हैं। वहीं 8 से 2 विद्युत ट्रांसफार्मर जल पड़े हैं। पूरा गांव अंधकार में है, इस भीषण गर्मी से जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने आगे कहा कि बिजली ना आने से बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने आज पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए कहा कि 48 घंटे में दोनों ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं तो विद्युत विभाग मऊरानीपुर का घेराव किया जाएगा। मेरा नाम मीना मसी है, जो कि मैं यहाँ से नगर अध्यक्ष हूँ, और हम लोगों को आज ही हमारी संपत्पा दीदी से ऑर्डर मिला है कि हम लोग यहाँ पे कैंडल मार्च निकालें और धरना प्रदर्शन करें। अगर आपकी संपत्पा जी आपको निर्देशित नहीं करेंगी तो महिलाओं के अत्याचार पे आप लोग कुछ नहीं, हम लोग अपने आप भी करेंगे। हम लोगों ने उनको बोला है और हम लोग इसके लिए आगे से आगे मांग उठाएंगे। सरकार से यही मांग है हमारी कि महिलाओं के साथ, चाहे वो गुलाबी गैंग हो चाहे अन्य कोई भी वो हो, लेकिन हम सबको महिलाओं को मिलकर एकजुट होना है। वही अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र के भूजपुरा इलाके में रह रहे 17 रोहिंग्या को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही 17 रोहिंग्या अवैध तरीके से भूजपुरा इलाके में बसे हुए थे। लगभग 5 घंटे चले इस ऑपरेशन के दौरान यूपी एटीएस और स्थानीय पुलिस की मदद से 10 महिलाएं और 7 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही सीओ प्रथम अभय कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि एटीएस और स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त तौर पर कार्रवाई की गई, जो थाना ऊपरकोट इलाके के मखदूम नगर अवैध रूप से रह रहे थे। वही 7 पुरुष और 10 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मूलतः म्यांमार के रहने वाले हैं और अलीगढ़ में अवैध रूप से प्रवास कर रहे थे। एटीएस व अलीगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में थाना कोतवाली नगर के मखदूम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवास कर रहे 7 पुरुष व 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर इनसे पता चला कि ये मूलतः म्यांमार के रहने वाले हैं। पूर्व में भी जिला पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में इन लोगों पर कार्रवाई हेतु अभियान चलाए गए हैं, और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध विदेशी अधिनियम की सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वही अगली खबर गोरखपुर से है, जहां निषादों की राजनीति करने वाले नेता अब अपने अपने दमखम से निषाद समुदाय को लुभाने में लग गए हैं। वही आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगभग सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन अब निषाद पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। वही सोमवार को गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में निषाद महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसके पास पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने अपने विरोधियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि निषाद समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए इस महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इन्हीं लोगों के दम पर कुछ लोग बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, लेकिन मैं यहां राजनीतिक पार्टी से आया हूं। मैं केवल निषाद समुदाय को आरक्षण और सरकार में भागीदारी दिलाने के लिए उन्हें एकजुट करने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत भारी तादाद में आकर के इस समाज के लोगों ने शांतिप्रिय ढंग से संवैधानिक तौर तरीके से अपनी बात को रखने का काम किया है, और अपने मुखिया तक सही संदेश पहुंचा करके अपना हक का मांग किया है। ये समाज बिकना नहीं चाहता है, ये समाज गुमराह नहीं होना चाहता है, ये समाज अपने हक, अपने आने वाले नौनिहान बच्चों के लिए अपनी अधिकार मांग रहा है। वही अगली खबर मैरैया से है, जहां कोतवाली क्षेत्र पेगुपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 दिन से गायब नाबालिग लड़की का शव गांव के तालाब में पड़े होने की सूचना मिली। वही सूचना मिलते ही ये खबर आग की तरह फैल गई। वही जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस के साथ साथ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे। वही अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के पेगुपुर में नाबालिग लड़की को 2 दिन पहले घर से शौच क्रिया के लिए भेजी गई थी, तभी वो गायब हो गई थी। परिजनों द्वारा तलाश किया गया, लेकिन वो थाना अजीतमल पड़ता है, इसमें ग्राम पैगुपुर में आज सुबह एक सूचना मिली है कि कल लगभग 1:30 बजे दोपहर को ये एक जो महिला जिसकी 17 साल की लड़की है नाबालिग, जिसकी बॉडी अभी इनके घर के 10 कदम पे तालाब है, गंदा तालाब है, उसी में मिली है। वही अगली खबर बदायूं से है, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर पर भर्ती बेहोश मरीज के कान और पैर चूहे ने कुतर दिए। वहीं बताया जा रहा है कि आईसीयू वार्ड पर तैनात डॉक्टर और कंपाउंडर को इसकी भनक तक नहीं लगी।
जब पत्नी मरीज ने देखा कि वार्ड में उनके पति के पैर को चूहे ने कुतर दिया है तो स्टाफ ने मरीज के ऊपर चादर डाल दी, वही चादर खून से लाल हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि स्टाफ सोता रहा और चूहे वेंटिलेटर पर भर्ती मरीज के अंग को कुतर कर जख्मी बनाता रहा। यह पूरा मामला परिवार के लिए जितना दर्दनाक है उतना ही मेडिकल कॉलेज के लिए शर्मनाक है। ये आज ही मेरे संज्ञान में समाचार पत्र के माध्यम से और उसके बाद जब मैंने अपने वहाँ के स्टाफ को बुलाया तब मेरे संज्ञान में लाया गया और लगभग 3-4 दिन पुराना ये मामला है। और जब ये बताया गया कि किसी चूहे ने किसी मरीज के पैर पर काटा है, देखा स्टाफ और उसमें से किसी ने नहीं है, किंतु मरीज के वो देखने पर वहाँ पर कुछ ऐसे निशान जरूर मिल रहे हैं जिसका पट्टी वगैरह कर दी गई है। वही अगली खबर हरदोई से है जहां कछौना कोतवाली क्षेत्र में धान के खेत में एक अधेड़ का शव पड़ा मिला। वही परिजन एक युवक पर लाठी डंडों से पीटकर हत्या किए जाने का आरोप भी लगा है। मामले की सूचना पाकर सीओ और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वही अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कछवाना में एक गांव पड़ता है टिकुआ मऊ, जहां पर प्यारेलाल अपने धान के खेत में गए थे, वहां पर वो संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए हैं। इनके परिवारजन का आरोप है किसी व्यक्ति द्वारा जो है इन्हें मारा पीटा गया, उससे इनकी मृत्यु हो गई है। उपरोक्त प्रकरण में थाना स्तर से पंचायत नामे पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, इसमें जो भी तथ्य मिलेगी उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। वही अगली खबर लखनऊ से है जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। वही उन्होंने एमपी चुनाव में सपा के लिए अच्छी संभावनाएं के बारे में बताई है और उन्होंने कहा है कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरेंगे। वही आपसी तालमेल से वहां अपेक्षित परिणाम आ सकते हैं। 2003 में सपा के 7 विधायक जीत दर्ज करा चुके हैं, इस बार पहले से अधिक सपा विधायक जीत कर आएंगे, इस बात का अखिलेश यादव ने वादा किया है। वही अगली खबर बाराबंकी से है जहां कोतवाली जैतपुर क्षेत्र गोठिया गांव की ताजिया नहर के रास्ते जैतपुर कस्बे के छेदा कठारा के हौज तालाब में आती थी, लेकिन कोरोना काल में ताजिया के जुलूस में सिर्फ 5 लोग को साथ में जाने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद गांव के लोगों ने शांति के साथ सुनहरा तालाब में दफना दी थी। कोरोना काल से अब तक ताजिया सुनहरा तालाब में दफनाते आ रहे थे, लेकिन इस बार जिस रास्ते से ताजिया ले जाते थे उस रास्ते के खेत मालिक सुमन ने इसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज करा दी है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी विजय कुमार द्विवेदी, सीओ सुमित त्रिपाठी मौके पर मुआयना किया। वही कहा कि ताजिया कोरोना काल से पहले जिस रास्ते से निकलती थी उसी रास्ते से निकाली जाए। ताजिया पूर्वज लोग जैतपुर ले जाते थे, लेकिन अब जो है उसरी मोहल्ले पे जो है चारों तरफ मकान बन गए जिस रास्ते से गुजरती थी ताजिया, लेकिन अब जो है मकान बने हुए तो हमें और हमारे लोगों को जाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती और हिंदू मुस्लिम का जो है डर रहता हर समय, लेकिन हमारा कहना है कि हम किसी भाई से विवाद नहीं करना चाहते। वही अगली खबर फारुखाबाद से है जहां बाढ़ के पानी में 3 युवक डूब गए हैं, जिसमें से 2 युवकों की मौत हो गई है। एक डूबे युवक को पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सकुशल बाहर निकाल दिया है। वही सड़क पर बाढ़ के पानी में नहाते वक्त 3 युवक डूबने की हालत में थे। नहाते वक्त 3 युवक तेज बहाव में सड़क से तालाब में जाकर डूब गए, जिसके बाद तालाब में डूबने से एक युवक को सकुशल निकाल भी दिया गया है। दोनों युवकों के डूबने से परिवार में काफी कोहराम मच गया है। वही मृतक युवकों के परिजनों ने पुलिस के सामने सकुशल निकले युवक के साथ जमकर मारपीट भी की है। मृतक युवकों के परिजनों के विरोध के चलते पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। वही अगली खबर संत कबीर नगर की है जहां जिले के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत झिनखाल बजरिया में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब धान के खेत में वायुसेना के विमान से 2 यंत्र खेत पर गिर पड़ा। बात आग की तरफ फैली, लोगों में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही मामले की सूचना पर जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित किया। वही विमान द्वारा गिरे यंत्र को सुरक्षित करते हुए एयरफोर्स के अफसरों को जानकारी दी गई। यहां पर आज सूचना मिली कि दोपहर में कुछ अननोन ऑब्जेक्ट कुछ था गिरा हुआ है, तो मौके पर आए तो भगवान राय और हरिवंश राय जो है 2 लोगों का यहाँ खेत था, उसमें संभवतः एयरक्राफ्ट का फ्यूल टैंक जो है वो गिरा हुआ पाया गया था।
जिसको संबंधित अथॉरिटीज को, एयरफोर्स अथॉरिटीज को सपोर्ट कर दिया गया है और वो लोग चले गए इसको यहाँ से। सर कुछ वजह पता चल पाई है क्या? कुछ कारण एज सच संबंधित विभाग द्वारा नहीं बताया गया है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई हताहत? नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ इस प्रकार से, संपूर्ण शांति व्यवस्था चल रहा था। एक बैग पूरब से आया है और गिरा है खेत में, आवाज भर से किया है। उसके बाद फिर क्या किया आपने? उसके बाद कुछ नहीं, गिरा उसके बाद 10 मिनट के बाद हम लोग वहाँ गए। किससे गिरा ये? एक जहाज निकली थी। अच्छा, इसी रास्ते एक जहाज गई है जी। उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब जहाज गिरा? हम पेड़ के नीचे बैठे थे, आदमी हमारा खाद बो रहा था, इंजन चल रहा था, इंजन के आवाज से उसकी आवाज कम सुनाई दिया। वही अगली खबर हरदोई से है, जहां दो महिलाओं के गुट आपस में भिड़ गए। वही मर्दाना बनी दोनों गुटों की महिलाओं ने आपस में जमकर मारपीट भी की और सड़क पर गिरा गिरा कर एक दूसरे को जमकर पीटा। महिलाओं द्वारा की जा रही मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने एक पक्ष से 4 महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। थाना कछवाना में एक गांव पड़ता है कुकई, जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण में एक तरफ से जय देवी, दूसरे तरफ सरला यमान ने जमीनी विवाद में मारपीट करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। उपरोक्त प्रकरण में थाना स्थानीय स्तर से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और बड़ी अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।